Manpreet Singh Badal. He's resigned from the Congress. Now he is going to join the BJP. There's a press conference which is happening. Let's listen in. Anubhavi राजनीतिक नेता जिन्होंने अपने कार्य से वर्षों वर्षों तक पंजाब की सेवा करी और मैं मानता हूं इनका योगदान शायद पंजाब के भी बाहर इसलिए जाता है कि जो जीएसटी काउंसिल का कारोबार था और जीएसटी काउंसिल में जब शुरू से ही माननीय अरुण जेटली जी मुझे भी सौभाग्य मिला इनके साथ काम करने का दो जीएसटी मीटिंग्स में और लगातार हम सभी का अनुभव यह रहा कि एक सोबरिंग इन्फ्लुएंस जो बहुत बैलेंस्ड स्टडीड और देशहित को सर्वोप्रिय रखते हुए निर्णय लेने में अग्रसर रहते थे ऐसे एक बड़े नेता पंजाब के आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं आपका मनप्रीत सिंह बादल जी तहे दिल से स्वागत है और मेरा विश्वास है कि आपके आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी पंजाब में भी देश में भी आज बैठे हैं तो सबसे मैं पीयूष जी का धन्यवाद करता हूं इनकी कोशिश और काविश की वजह से आज मैं आज इस प्रेस ब्रीफिंग में बैठा हूं हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि मैं आया बीजेपी के दफ्तर में तो साहब आपने मुझे अपने हाथों पे नहीं आपने मुझे अपनी आंखों पे बिठा लिया इस बात का मैं धन्यवाद करता हूं मुझे पीयूष जी तकरीबन 30 साल हो गुजरे हैं राजनीति में बहुत कम ऐसे मौके मिले हैं जब राजनीति में किसी शेर से मुलाकात हुई हो कुछ दिन पहले मेरी एक शेर से मुलाकात हुई और वो भारत के गृह मंत्री और उन्होंने मुझे एक बात कही जो मेरे को दिल को छू गई उन्होंने मुझे बोला कि पंजाब ने हिंदुस्तान के लिए 400 हमले झेले हैं 400 मर्तबा हिंदुस्तान पे जब आक्रमण हुआ तो वो पंजाब ने बर्दाश्त किया है हम पंजाब को अपने हाल पे नहीं छोड़ेंगे हम पंजाब को संवारेंगे हम इसको सुधारेंगे और पंजाब का जो वकार है उसको एक बार फिर बहाल करना है और ये बात जो है ये मुझे छू गई